स्टेट यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग्स आपको दिखाने हैं। जैसे अलग अलग वीडियोस में मैंने आपके लिए अलग अलग बिल्डिंग्स कवर की है। एक बिल्डिंग में मैंने आपको मेडिसिन का डिपार्टमेंट दिखाया है, जो कि जहां आपके MBBS की कोर्स होती है, जहां आपकी वहां की क्लासेस लगती है। तो ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये ओरियल स्टेट यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है, दैट इज डीन ऑफिस है, जहाँ आपके सारे ऑफिशियल काम होंगे। अगर आप आएंगे, आपका एडमिशन प्रोसेस सारा कुछ यहीं पे होगा। जैसे यहाँ ऐसे होता है कि हर यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट जो की बिल्डिंग होती है, वो अलग अलग जगह स्प्रेड होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो यूनिवर्सिटी से है, ये सारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। जैसे हर एक सिटी का उसका एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी होता है। जैसे समारा में हो गया समारा स्टेट यूनिवर्सिटी, ओरल आप आओगे तो आपको मिलेगी ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, आप कैमरोवो जाओगे तो आपको वहाँ मिलेगी कैमरोवो स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इन्हीं यूनिवर्सिटी के अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, दैट इज़ इनका मेडिकल का ब्रांच होता है, इनका कल्चरल का ब्रांच होता है, इनका लिंग्विस्टिक्स का ब्रांच होता है, इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट होता है। ऐसे अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग बिल्डिंग्स आपको सिटी में पूरी तरह स्प्रेड मिलेगा, दैट इज़ अलग अलग जगहों पर आपको अलग अलग बिल्डिंग्स मिलेगी। तो ऐसा इंडिया जैसा नहीं है कि आप एक ही कंपाउंड में रहोगे, एक ही कंपाउंड के अंदर आपको सारी बिल्डिंग्स मिलेगी, उसी के अंदर आपको हॉस्टल्स मिलेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ आप देखोगे अलग अलग जगहों पे आपको अलग अलग बिल्डिंग्स मिलेगी। तो ये जो मेरे पीछे है, ये ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी का मेन बिल्डिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है ओरल की गोसदावस्तेनी यूनिवर्सिटी, दैट इज ये रशियन में लिखा है कि ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी। तो इस यहाँ पे आपकी थोड़ी बहुत क्लासेस लगती है, बट ये नहीं है कि आपकी मेन क्लासेस यहाँ लगेंगी। यहाँ बस डीन ऑफिस है, यहाँ डीन रेक्टर ये सब लोग होते हैं। यहाँ आपके मेन ऑफिशियल काम होंगे, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स का काम होगा, ये सब यहाँ होगा। अगर आपको कोई एडमिशन रिलेटेड प्रोसेस की कोई डिटेल्स चाहिए, या अगर आपको फीस रिलेटेड कुछ इशू है, तो आप यहाँ आ सकते हो। जो भी ऐसे डिपार्टमेंटल है, जो आपका पेपर वर्क का काम होगा, वो सारा यही होगा। यहाँ पे क्लासेस वगैरह तो नहीं लगती। आप लोगों ने यूजुअली देखा होगा, जब आप ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी डालोगे गूगल पर, या फिर अगर आप फीस स्ट्रक्चर के लिए किसी एजेंट से पूछोगे कि ओरल का फीस स्ट्रक्चर मुझे भेज दीजिए, तो आप देखोगे कि उनके जो प्रॉस्पेक्टस होगा, उसमें आपको यही फ़ोटो मिलेगी। यही वो बिल्डिंग है ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी, जो येलो कलर की बिल्डिंग है, यही उनकी बिल्डिंग है, यही मेन बिल्डिंग है। तो जब आप जैसे हमें फर्स्ट टाइम आओगे, दैट इज़ ओरल में, अगर आपने एडमिशन ले लिया, अगर आप यहाँ आएंगे, तो जो भी आपका प्रोसेस होगा डॉक्यूमेंट का, वो यही होगा। यहाँ पीछे भी देख सकते हो कितना बढ़िया व्यू है। जैसे अभी तो मैंने आपको सारे वीडियोस में बता दिया कि अब है क्रिसमस न्यू ईयर का टाइम, जो कि मुझे छुट्टी है, एंड ये जनवरी का वक्त है। यहाँ अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, तो मैं जैकेट ग्लव्स पूरा पैक होके घूम रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ बहुत अच्छा व्यू है, बट समर में आप लोग देखोगे तो यहाँ ज़्यादा सीनिक होगा, दैट इज़ समर में स्नो वगैरह कुछ नहीं होगा, बहुत सब कुछ ग्रीनरी हो जाएगा। तो यहाँ एंजॉय करने के लिए बेस्ट टाइम है समर, जब आपको भी छुट्टी होगी, यूनिवर्सिटी को भी छुट्टी होगी, तो आप लोग एंजॉय कर सकते हो उस टाइम। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। अगर आपको ओरल स्टेट यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। आपको स्क्रीन पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा होगा। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।